का आज चौथा दिन है और बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पास होने के बाद महिला आरक्षण विधेयक को आज राज्यसभा में रखा जाएगा, जहां इसकी चर्चा के बाद पारित कर दिया जाएगा और राज्यसभा से पास होने और राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बन जाएगा। देखिए, राज्यसभा में आज महिला आरक्षण बिल पेश होगा, ये बड़ी जानकारी। राज्यसभा से पेश आज ये होगा और पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के साइन के बाद से ये कानून बनेगा। तो कल लोकसभा में देखिए ये हुआ था और पास होने के बाद से राष्ट्रपति के पास ये जाएगा, उसके बाद से राष्ट्रपति इस पर साइन करेंगे तो ये कानून बन जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। संसद के विशेष सत्र का चौथा दिन है और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल आज पेश किया जाएगा। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होगा और उसके बाद से देखिए जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इसको पास करेंगे तो वहां पर वो साइन करेंगे, उसके बाद से उनके साइन के बाद से ही ये कानून बन जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, चर्चा के बाद से ही पारित किया जाएगा। राज्यसभा में आज महिला आरक्षण बिल पेश होगा और पास होने के बाद से ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के साइन के बाद ये कानून बनेगा। तो कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश हुआ था और आज राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा।